केंगन एसुरा जैपनीज मांगा वेब सीरीज है जो जुलाई 2019 में रिलीज हुई थी। इसे आप नेटफ्लिक्स में इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रीम कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स में इसके 2 पार्ट अवेलेबल हैं। हर पार्ट में आपको 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे। इस मांगा वेब सीरीज की खासियत यह है कि इसमें जिस तरह के एक्शन दिखलाए गए हैं ऐसे एक्शन आपको जनरली किसी एनिमेटेड फिल्म या वेब सीरीज में देखने को नहीं मिलती हैं। केंगन असुरा में क्रिएट किए गए जितने भी एक्शन सीन हैं वो एक एनिमेटेड वेब सीरीज होने के हिसाब से बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें फैंटेसी नहीं है, इसमें फैंटेसी तो है पर इसका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से किया गया है। आप वेब सीरीज देखते हुए इस बात को अनुभव करेंगे। केंगन असुरा का प्लॉट एक फाइट एरिना के इर्द गिर्द लिखा गया है जिसमें बहुत सारे फाइटर जो अलग अलग आर्ट फॉर्म को बिलोंग करते हैं एक दूसरे से फाइट करते हैं। इन फाइटर्स को वहाँ लड़ने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन और ब्रांड हायर करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे UFC, बेलाटोर और प्राइड में होता है। बस यहाँ एक यूनिफॉर्म फाइटिंग एरिना है जहाँ कोई फाइटिंग प्रमोशन कंपनी फाइटर के साथ किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, बल्कि उस एरिना में लड़ने के लिए बिजनेसमैन और ब्रांड्स फाइटर्स को हायर करते हैं, ठीक F1 रेसिंग की तरह। अब इस फाइटिंग एरिना में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कैसे जीतेगा, ये आपको वेब सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। इस मांगा वेब सीरीज की एक और खास बात यह है कि इसमें फाइटिंग एरिना में लड़ रहे अलग अलग फाइटर्स के अलग अलग फाइटिंग स्टाइल के बारे में ब्रीफली समझाने का प्रयास भी किया गया है कि अगर एक फाइटर ऐसा लड़ रहा है तो वह ऐसा क्यों लड़ रहा है और कैसे वो इस तरह के मूव कर रहा है, उसके स्ट्रेंथ का राज क्या है। जैसे एक लाइटवेट जुजित्सु फाइटर एक हैवीवेट रेसलर को हराता है तो वो उसे कैसे हरा देता है, इस बारे में जितना हमें वेब सीरीज में विजुअली बतलाया जाता है उतना ही उसे वर्बली भी समझाने की कोशिश की जाती है। ऐसा हर फाइट में होता है। वेब सीरीज में फाइटर्स के जितने मूव दिखाए जाते हैं, चाहे वो स्ट्राइकिंग हो, रेसलिंग हो, ग्रैपलिंग हो, नेक चोक हो, आर्म बार हो या कमोरा का कोई दूसरा तरीका हो, हर एक मूव को सफाई से और असल में जिस तरह से आप MMA फाइट्स के दौरान देखते हैं उस तरह से दिखलाने की कोशिश की गई है, जो इस वेब सीरीज की तरफ किसी भी MMA लवर्स का ध्यान खींचने के लिए काफ़ी है। अगर आपको MMA पसंद है और आप MMA काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं और MMA फाइटर्स के अलग अलग मूव को थोड़ा बहुत समझते और जानते हैं कि ये मूव्स कितने इफ़ेक्टिव हैं, तो आपको ये वेब सीरीज बहुत अधिक पसंद आएगी क्योंकि आपको इस वेब सीरीज में वही छोटे छोटे डिटेल्स देखने को मिलेंगे जो आपको नॉर्मली फिल्मों और खासकर एनिमेटेड फिल्मों में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। वेब सीरीज में फाइटिंग के साथ साथ वेब सीरीज के कैरेक्टर्स की पर्सनल स्टोरी भी बैकग्राउंड में चलती रहती है जो असल में फाइटिंग से ही संबंधित है, इसलिए ये वेब सीरीज आपको बांधे भी रखती है। मेरी तरफ से केंगन असुरा देखने के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से दैट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच दिस काइंड ऑफ कंटेंट अगेन प्रेस सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकॉन।